ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला किया। ईरानी सेना ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया है। आइए जानते हैं ऑपरेशन टू प्रॉमिस के बारे में। ईरान ने इस हमले को 1 अप्रैल को सीरिया में इजराइल द्वारा उसके वाणिज्यिक दूतावास पर हमले की जवाबी कार्रवाई बताया है। इस हमले में ईरान के 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले में इजराइल के एक खुफिया केंद्र और हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। इसी हवाई अड्डे से इजराइल के F-35 जेट ने दमिश्क वाणिज्यिक दूतावास पर हमला करने के लिए उड़ान भरी थी। इजराइल के अनुसार उसने ईरान की तरफ से दागे गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाने पर पहुंचने से पहले ही गिरा दिया है। ईरानी सेना के अनुसार ऑपरेशन टू प्रॉमिस सफलतापूर्वक पूरा हुआ और इसने अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है।